आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको विषाद के विलोम शब्द के बारे में हम अच्छे से अच्छी जानकारी देते हैं। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हो वे विलोम शब्द है। और वहीं पर अगर हम विषाद के विलोम शब्द की बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि हिंदी व्याकरण के अनुसार विषाद का विलोम शब्द आह्लाद होता है। यानी दोस्तों विषाद का विलोम शब्द आह्लाद होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप हमारे साथ दोहराएं कि विषाद का विलोम शब्द आह्लाद होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन्हें और भी अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विषाद का अर्थ क्या है और आह्लाद का अर्थ क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि विषाद का अर्थ क्या होता है। दोस्तों विषाद का हिंदी में अर्थ होता है दुख या अवसाद या उदासी। यानी दुख अवसाद को ही हिंदी में विषाद कहा जाता है। और वहीं पर अगर हम आह्लाद के अर्थ की बात करते हैं तो दोस्तों आह्लाद का हिंदी में अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। यानी खुशी, प्रसन्नता को ही हिंदी में आह्लाद कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने समझा कि विषाद का अर्थ क्या है और आह्लाद का अर्थ क्या है। तो आप अभी यह और भी अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि विषाद का विलोम शब्द क्या होता है। तो आइए दोस्तों अपन एक बार इसके बारे में फिर से बात करते हैं और आपको फिर से बताते हैं कि विषाद का विलोम शब्द आह्लाद होता है। यानी दोस्तों विषाद का विलोम शब्द आह्लाद होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप भी हमारे साथ दोहराएं कि विषाद का विलोम शब्द आह्लाद होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, यानी दोस्तों आपको विषाद का विलोम शब्द वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।